top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. उन्होंने कहा था कि बाहर से लोग आते हैं, दिल्ली में स्लम्स में रहते हैं, दिल्ली को गंदा करते हैं। अभी अभी माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बात कही और उन्होंने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी वही कहने वाला था। अगर दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोग एक दिन काम करना बंद कर दें, दिल्ली बंद हो जाएगी। और आप झुग्गी बत्तियां छोड़िए, गरीब लोग भी रहते हैं। अगर बिहार के लोग दिल्ली के अंदर एक दिन काम करना बंद कर दें, सचिवालय बंद हो जाएगा। मेरे अपने रिश्ते से भी बिहार से जाते हैं, मेरे अपने रिश्ते से बंद हो जाएगा अगर बिहार के लोग एक दिन काम करना बंद कर दें। दिल्ली के विकास में और दिल्ली की प्रगति में और आज दिल्ली जहां खड़ी है उसमें बिहार के लोगों का उतना ही योगदान है जितने अन्य राज्य के लोग। क्या वो बिहार को बेचने के लिए बैठे? क्या वो बिहार के लोगों को खरीदने के लिए बैठे? इस किस्म की भाषा राजनीति में शोभा नहीं देती है, खासतौर से प्रधानमंत्री जी को तो बिल्कुल शोभा नहीं देती। 1,25,000 करोड़ रुपए, 1,25,000 करोड़ रुपए में क्या बिहार के लोगों के वोट खरीदना चाहते हैं? अगर आप बिहार के लोगों के वोट को इतना सस्ता समझते हैं तो बिहार के लोग इतने सस्ते नहीं है कि 1,25,000 करोड़ रुपए के अंदर आप बिहार के लोगों को। जब वहां पैसा देना होता है तो कहते पैसा नहीं, और अब चुनाव के पहले वहां जाके ऐलान कर रहे हैं, इसका मतलब मकसद है। मकसद पैसा लेना नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि मुझे किसी ने, मैं यही बैठा था, कोई कह रहा था कश्मीर में बाढ़ आई, वहां भी पता नहीं कितने 1,000 करोड़ रुपए अनाउंस करके आए थे, पता नहीं अभी तक।